मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने रमजान के मुबारक महीने को लेकर के क्या बात कही। जी हाँ दोस्तों, उसी हवाले से हम आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और खुसूसी तौर पर आपको बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहर साहब कब तक रिहा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहर साहब की लगातार कई दिनों से कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है। ऐसे में तमाम ही उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उनको लेकर क्यों कोई खबर नहीं आ रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साफ तौर से पहले ही वाजे कर देना चाहता हूं कि उनको लेकर इसलिए कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है क्योंकि आपकी जो सुनवाई की तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है और वो सुनवाई की तारीख एक महीने बाद यानी कुल मिलाकर 23 अप्रैल को है। तो उससे पहले कोई खबर आपको लेकर आए ये शायद बहुत मुश्किल ही है, इसीलिए खुसूसी तौर पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई और भी खबर सामने आती है वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने रमजान को लेकर के अपना एक बयान दिया था और एक ऐसी बात कही थी जो कि हर मुसलमान को कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में आप मुफ्ती सलमान अजहर साहब के चाहने वाले हैं तो जो मुफ्ती सलमान अजहर साहब बातें बताते हैं या बयान देते हैं, तालीम देते हैं, ऐसे वक्त में दोस्तों उन बातों पर हमें अमल भी करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहर साहब हमेशा से हक की पैरवी करते आए हैं और गुस्ताखाने रसूल को मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं, लेकिन इस रमजान के मुबारक महीने को लेकर के भी मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने अपना एक बयान दिया था। जी हां दोस्तों, उन्होंने रमजान के मुबारक महीने को लेकर यह बात कही थी कि रमजान के मुबारक महीने में अक्सर व बेशतर जो लोग जो कि आम दिनों के अंदर इबादतें नहीं करते वो लोग भी रमजान के मुबारक महीने में नमाजें पढ़ते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। लेकिन आपको ये बात कब मालूम पड़ेगी कि वो जो आप नमाज पढ़ रहे हैं या फिर तिलावतें कर रहे हैं कि उससे अल्लाह राजी भी हो रहा है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आप पढ़ते ही जा रहे हैं और उसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहर साहब ने बताया है कि अगर आप लगातार कुरान मजीद की तिलावत करते हैं रमजान के मुबारक महीने में और ऐसे में फिर आपको आदत होने लगे और आपकी चाहत होने लगे कुरान मजीद सुनने की, तो ऐसे वक्त में आप समझ लीजिए कि जो आपका दिल सख्त हो चुका था वो अब नरम हो चुका है और कहीं ना कहीं आपका ईमान जो है वो मजबूत हो रहा है। और अगर आप पूरे महीने इबादतें करते हैं और कुरान मजीद की तिलावतें करते हैं और फिर भी आपका दिल नरम नहीं होता तो यकीनन ये अफसोस का मुकाम है। जबकि रमजान का महीना तो इसलिए आता है ताकि रमजान के महीने में हम ज्यादा से ज्यादा इबादतें करें और उस चीज की आदत हमें आम दिनों में लग सके। हमारा क्या फायदा होगा कि रमजान के महीने में हम इबादतें करेंगे और बाद में छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ये रमजान आता ही इसलिए है ताकि हम उन तमाम ही चीजों को बार बार अपनी जिंदगी में अमल में ला सकें, लेकिन हरगिज ऐसा होता नहीं। रमजान के बाद फिर से शैतान इबलिस जो है वो हमें बहकाने की कोशिश में लग जाता है। हो सकता है कि कुछ दिन लोग नमाज पढ़ते भी हैं या कुरान शरीफ पढ़ते भी हैं लेकिन उसके बाद इन तमाम ही चीजों को छोड़ देते हैं जो कि सच में अफसोस का मुकाम है। कुल मिलाकर रमजान की इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ रमजान ही नहीं, रमजान के बाद भी इबादतें कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, क्योंकि सिर्फ रमजान का महीना नहीं है हमारे लिए इबादत के लिए, बाकी जो 11 महीने हैं वो भी हमारी इबादत के लिए ही है। तमाम दिनों के अंदर भी हमारे लिए नमाज फर्ज हैं, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे।